बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर सरकार लगातार कोशिशें कर रही थी कि बीडीसी, उसके बाद डीडीसीज या डीडीसीज के जो मेंबर्स थे, चेयरपर्सन थे, डिप्टी चेयरपर्सन थे, उनको तमाम तरह के इख्तियार दिए जाएं। उनके लिए प्रोटोकॉल तैयार हुआ, लेकिन प्रोटोकॉल बनने के कुछ ही घंटों के बाद एहतजाज शुरू हो गया है जम्मू के अंदर। इस वक्त जो डीडीसी उम्मीदवार हैं, बल्कि डीडीसी के जो कामयाब उम्मीदवार हैं, वो चाहे मेंबर्स हों, चेयरपर्सन हो, डिप्टी चेयरपर्सन हो, वो एहतजाज कर रहे हैं। और ये तस्वीरें कन्वेंशन सेंटर जम्मू की है, जहां पर तमाम तरह की तैयारियां की गई थी, क्योंकि आज से ट्रेनिंग का आगाज होना था बाजाबता, लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही एहतजाज शुरू हो गया सरकार के उस फैसले के खिलाफ जिसके तहत उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन प्रोटोकॉल में उनके बकौल के इनके साथ नाइंसाफी की गई, सिर्फ उन्हें ख्वाब दिखाए गए, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी वजह से एहतजाज करने पर मजबूर हुए। चूंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी में तरमीम करते हुए जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन को इंतजामी सेक्रेटरियों और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का दर्जा दिया है। सरकार ने डीडीसी मेंबरों और चेयरमैनों का माहाना मुशायरा मुकर्रर कर दिया है। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जिला तरक्याती काउंसिल के मेंबरों के लिए एजाजी मुशायरे को हतमी शक्ल दे दी गई है। लेकिन इन सभी फैसलों से, सरकार के उठाए गए इकदाम से, इस वक्त ये कामयाब उम्मीदवार अवामी नुमाइंदे मुतमिन नजर नहीं आ रहे हैं। जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन को माहाना 35,000 रुपये का एजाज ये मुशायरा मिलेगा, जबकि वाइस चेयरपर्सन और मेंबर को बिल तरतीब 25,000 और 15,000 रुपये मिलेंगे। वहीं हुकूमती अहकाम के मुताबिक जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन को प्रोटोकॉल की फहरिस्त में सीरियल नंबर 26 में रखा गया है। इंतजामी सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर, IGPs, ज्वाइंट सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और फौज के मेजर जनरल या मसावी ओहदे के अफसरान के बराबर रखा गया है। वहीं DDC वाइस चेयरपर्सन को सीरियल नंबर 27 में रखा गया है, जो रियासत या मरकजी जेर इंतजाम खत्ते के अंदर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के बराबर होंगे। और जिला तरक्याती काउंसिल के मेम्बरान, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन, म्यूनसिपल काउंसिलों और बल्दियात के सदर, जिला मजिस्ट्रेट, इसके अलावा ब्रिगेडियर और इसके ओहदे के अफसरान, महकमों के सरबराहान, जिले और सेशन जजों के साथ प्रोटोकॉल की फहरिस्त में नंबर 28 पर रखा गया है। ये तमाम फैसले जो सरकार ने गुजशत 24 घंटों में लिए हैं, प्रोटोकॉल जारी किया, माना मुशायरा क्या होगा, कामयाब उम्मीदवारों के लिए चुना, लेकिन इन सब से ये उम्मीदवार मुतफिक नजर नहीं आ रहे हैं। इत्मीनान का इजहार नहीं किया जा रहा, नाराजगी जाहिर की जा रही है। और जम्मू में जहां ट्रेनिंग थोड़ी देर बाद शुरू होनी थी कामयाब उम्मीदवारों की, उससे कबल ही कन्वेंशन सेंटर जम्मू के अंदर एहतजाज शुरू कर दिया गया। सीधा आपको जम्मू उसी मकाम पर लिए चलते हैं, जहां पर अवामी नुमाइंदे इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, सरकार के फैसले से मुतमईन नजर नहीं है। आरिफ, क्या कुछ अपडेट है? आज सुबह जो जम्मू के अंदर यहाँ सर्किट हाउस एक मीटिंग होने वाली इस प्रोटोकॉल को लेकर, जहाँ पर उम्मीद ये थी कि DDC जो मेम्बरान है, जो काउंसिलर चुन के आए हैं, चाहे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी जो है यहाँ पर देखने को मिली। और कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंसिलर्स का ये मानना है कि जिस तरह से बिरून रियासतों में जिस तरह से प्रोटोकॉल को लेकर जो है लोग प्रतिपक्ष अंदाज में जो है उसको लोगों के हित में जो काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सभी काउंसलर्स की नाराजगी है। और बिल्कुल मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, सभी जितने भी काउंसलर्स है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, पूरे जम्मू कश्मीर के जो है यहाँ पर सभी जमा है। और बिल्कुल मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि एक साबका ब्यूरोक्रेट जो है पीए रुयाल, जो रामबन जिला के जो चुने हुए चेयरमैन है, रामबन जिला के जो जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन है, बिल्कुल मेरे एक साथ में खड़े हैं। इनका भी यही मानना है सभी लोगों का कि यहाँ पे जो है सैलरी के हवाले से भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है देखने को मिल रही है। जहाँ पर जो है महकमा रूरल डेवलपमेंट की जानिब से जो 3 जो है फिरिस्त रखी थी, जिसमें एक में जो है तकरीबन 1,00,000 रुपए जो है चेयरमैन के लिए सैलरी रखी गई थी, 75,000 डिप्टी चेयरमैन के लिए, या इस तरह से जो है ये जो है उसको कहीं ना कहीं जो है उसमें भी जो है कटौती की गई है। और लास्ट वाला जो लोवेस्ट ऑप्शन जो चुना गया है 35,000 जो चेयरमैन के लिए, या जो इसके साथ में 25,000 डिप्टी चेयरमैन के लिए, या जो 15,000, तो उसमें कहीं ना कहीं पे पावर एक्सरसाइज के हवाले, प्रोटोकॉल के हवाले से भी जो है कहीं ना कहीं नाराजगी है। और अच्छा आरिफ, एक चीज और भी बताइएगा, अब चूंकि नाराजगी काफी ज्यादा नजर आ रही है, डायरेक्टली बात कीजिएगा उन नुमाइंदों से जो ट्रेनिंग का हिस्सा बनने आए थे, लेकिन ट्रेनिंग से पहले ही एक और चैलेंज सरकार के सामने, क्या कुछ ये नुमाइंदे कह रहे हैं, डायरेक्ट बात कीजिएगा जरा उनसे। बीए रुयाल साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले चेयरमैन जो है हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे?
दावत से हाइक करके यहाँ पर घुमाया गया था। हम लोगों को ट्रेनिंग के सिलसिले में यहाँ पे घुमाया गया था किस तरीके की ट्रेनिंग थी, लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे आके जो कल इन्होंने हमारे साथ एक मजाक किया है, जो कल प्रोटोकॉल लिस्ट आई है, एक ऑर्डर निकला है जिसमें हम लोगों को जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा उस वक्त हम लोगों को जो वादे किए गए कि आप लोगों के तहत आपको पावर दी जाएगी और आपके बगैर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी काम नहीं हो सकता है, लेकिन जो प्रोटोकॉल हमें होना चाहिए था एक एमओ एक्ट का जो स्टेटस वाइस चेयरमैन को देना था, कैप्टन स्टेटस चेयरपर्सन को देना था, वो कहीं ना कहीं हम आज आ जाते हम लोग बीबीसी मेंबर को एससीओ की तनख्वाह जो 15,000 होती है वहां पर हम लोगों को कैजुअल लेबर तक के भी बराबर हम लोगों को नहीं रखा गया है। तो हम लोग उसी सिलसिले में आज यहाँ सभी पूरे यूट्यूब के जितने भी जेडीसी मेंबर्स थे, चेयरपर्सन थे, वाइस चेयरपर्सन थे, नाराज और हमें भी कड़ी मजम्मत करते हैं। क्या क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहते हैं कि ये जो ऑर्डर है इसको रिवोक किया जाए और इसको तरमीम करके जो हमारे साथ वादा किया था, और जैसे बाकी यूपी जैसे लद्दाख में किसी के सिलसिले में बराबर वहां पे जो इसको चेयरपर्सन को कैबिनेट का दर्जा, वाइस चेयरपर्सन को एमओएस का, और जो डीडीसी मेंबर है उसको एमएलए का दर्जा दिया गया है, पर मैं चाहती हूँ कि वही दर्जा हम लोगों को दिया जाए तब तक हम ये जो अपना प्रोटेस्ट है वो खत्म नहीं करेंगे। बड़े कामों को अंजाम दिया है तो इनसे इनसे सर आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक नई इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुई थी और लोगों को जो कि इन एब्सेंस ऑफ जो एमएलए हमारे नहीं है या अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं असेंबली के, तो एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव जो था लोगों को मिला था, लेकिन इस अल्टरनेटिव में जिस ढंग से ये हमारे साथ जो सलूक किया गया ये बहुत बड़ी इंसल्ट है हम लोगों की। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां ले डिस्ट्रिक्ट की आप बात करो, मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आधा या 75% पॉपुलेशन है ले डिस्ट्रिक्ट की, और ले डिस्ट्रिक्ट में आप एक चेयरमैन को कैबिनेट दे रहे हो और बाकी जो आपके हैं उनको ये जो मेंबर्स हैं या जो डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं उनको एमओ स्टेटस है, या जबकि मेरे रामसू ब्लॉक से मैं कह रहा हूँ कि 75% कम पॉपुलेशन है लेके, आप एक पहले तो जे एंड के स्टेट की गवर्नमेंट जब थी एम्प्लॉय तो उस वक्त 300 करोड़ तो लेको बजट जाता था और उसके अलावा 1,000 करोड़ जो है फाइन से आता था, इतनी 1.5 लाख या 1.25 लाख की आबादी को आप इतना पेपर कर रहे हो, और हम लोग जो मैं अगर अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा करूं तो मुझे कम से कम 45 दिन चाहिए हर गांव को ये कवर करने के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट को हम मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने ये किया, लेकिन उसके बाद जो ये इंसल्ट टू इंजरी हुई मेहरबानी करके इसको इनको रिवोक करना चाहिए और एक रीजनेबल तरीके से जो बाकी स्टेट में है या इवन ले को एक पर लेवर करके बनाना चाहिए। आरिफ एक चीज और भी बताइएगा, अवामी नुमाइंदों से जानना बेहद जरूरी है, जब शुरुआत से इस तरह का तातुल शुरू हो जाता है इंतजामिया के इस फैसले के बाद, जिन लोगों के लिए रूल्स बनाए गए रेगुलेशंस वो इससे मुतमिन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवामी मसाइल है कामकाज है उसमें और भी हम डिले प्रोसेस देखेंगे, कामकाज होना बेहद मुश्किल है अगर ये तातुल खत्म नहीं होता है। जी बिल्कुल सर, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा, अगर इस तरह से जो है जहाँ पर इतनी उछल कूद जो है इलेक्शन में देखने को मिली, तो आप क्या मानते हैं कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल वर्क है क्या उसमें जो है थोड़ी सी ताखीर देखने को मिलेगी, डिले देखने को मिलेगा, जिससे कि लोगों को एक एक्सपेक्टेशन है कि आप नुमाइंदों को चुना गया है कुछ काम होंगे जमीनी सतह पे? देखिए जिस ढंग से प्रोटोकॉल दिया है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, तो आप ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करो कि कोई ऑफिसर आपकी बात मानेगा, या आप जो है एक जो आप विजन आपके या जो लोगों की डिमांड लेके आप आए हैं मुझे नहीं लगता है कि आप उसको एक्सक्यूट करोगे और कर पाओगे अपनी ग्राउंड से, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सीरियस और सिंसियर रहना पड़ेगा। एक्चुअली जो है अगर हम जो है ब्यूरोक्रेटिक एंगल से सोचें तो फिर उसे कुछ भी होने वाला है, इसमें ऑनरेबल चलिए लाइन ड्रॉप हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए, जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए। और ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की जम्मू के अंदर जहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है,
डीडीसी के जो मेंबर्स थे, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के 14-14 मेंबर्स, उसके बाद डिप्टी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन जो इस वक्त जम्मू के अंदर जहां पर सर्किट हाउस में आज चूंकि ट्रेनिंग शुरू होनी थी, तरबियत फराहम की जानी थी कि किस तरीके से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर दायरा इख्तियार जो है उनके इस्तेमाल करके वो यहाँ पर कामकाज को अब शुरू करेंगे, डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये सब शुरू होने से पहले ही जो सरकार और अवामी नुमाइंदे उनके दरमियान एक तनाजा खड़ा हो गया है और इस तनाजे के चलते शायद कामकाज को मुतासर होगा ही। फिलहाल उस हुक्मनामे को, उस प्रोटोकॉल को जो तैयार किया गया है उस पर नज़रसानी करके हुक्मनामे को वापस लेने का सरकार से मुतालबा किया जा रहा है। जो बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज़ से बात कर रहे थे इस वक्त DDC के मेम्बर्स, DDC चेयरपर्सन जो इस वक्त जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बढ़ते आगे बात जम्मू के बाद अब वादी कश्मीर की, जहां पर ओमपुरा बडगाम के अंदर ओमपुरा कॉलोनी में जहां पर गुज़श्ता कई बरसों से लगातार शिकायत मौसूल होती रही कि नर्सरी जो महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से तैयार की गई थी उसकी खस्ताहाली की वजह से मकामी आबादी परेशान है। दरअसल आसपास जहां पर नर्सरी बनाई गई है इसके आसपास एक कसीर आबादी है, दोनों अतराफ रहती है, लेकिन जो खदशात लोगों के थे कि इस नर्सरी की खराबी के बाद यहां पर खस्ताहाली है, देखरेख नहीं हो रही, इन सब के बीच में इस इलाके के अंदर तेंदुआ या बाकी जो जंगली जानवर हैं वो लोगों के लिए दर्द सर बन सकते हैं और कुछ ऐसा ही बार बार देखने को मिल रहा है। आज मुसलसल यहां पर एक बार फिर मकामी लोगों ने, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं CCTV कैमरे में कैद हुई हैं, जहां पर तेंदुआ एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन तेंदुए इसी सोशल फॉरेस्ट्री के जिम्मेदारान कि गलतियों की वजह से, कोताहियों की वजह से अब बस्तियों का रुख करने लगे हैं। जहां पर मकामी आबादी भी बताती है कि इस इलाके के अंदर ओमपुरा कॉलोनी में जहां पर तकरीबन 2.5-3 बरसों से लगातार शिकायतें मौसूल होती रही, मुतलका हुकाम के मामले में ये नोटिस जो मामला है नोटिस में लाया जाता रहा, लेकिन इस इलाके की देखरेख नहीं हुई, नर्सरी की खस्ताहाली और इलाके के अंदर जंगली जानवरों का पहुंचना अब न सिर्फ स्कूली बच्चों, मकामी ताजरों बल्कि घरों के अंदर भी मामूल का काम करने वाले लोगों के लिए बाइस अजाब बन गया। और एक बार फिर इस रिहायशी इलाके के अंदर दौरान शब किस तरीके से मकानात की छतों तक तेंदुआ पहुंचा, एक तेंदुआ नहीं दो दो तीन तीन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो एक बड़ा खतरा मकामी आबादी के लिए बना हुआ है। सीधा आपको बडगाम लिए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त सईद रऊफ फारूकी है, इसी इलाके से ताल्लुक है। सईद रऊफ, क्या कुछ ये पूरा मामला है, अब चूंकि तस्वीरें भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं, अभी तक क्या कोई मजीद इकदाम उठाए गए हैं, कम से कम लोगों को खतरे से बचाया जाए, कोई मजीद पॉलिसी अख्तियार की गई है? आसिफ, ये बड़ी सिस्टम जरूरी है क्योंकि जहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी की बात कर रहे हैं, मतलब ये सरकार की कॉलोनी बन रही है, सरकार ने लैंड आइडेंटिफाई किया, लोगों को दिया गया जमीन, कहा गया कि यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी डेवलप करनी है और हाउसिंग कॉलोनी के साथ में आपने सोशल फॉरेस्ट की नर्सरी बनाई है। और अगर पूरी हम एरिया की बात करें तो सराउंडिंग एरिया रहते हैं, अब इन्होंने जो सोशल फॉरेस्ट बनाई उस वक्त भी एतराजा खड़े किए गए थे, अगर बस्ती यहाँ पे लाई गई है तो क्यों सोशल यहाँ पे ये नर्सरी बनानी है, उसको कहा गया था इसको मेंटेन रखा जाएगा और नर्सरी को बढ़ने नहीं दिया गया, इसकी देखरेख पूरी तरह नहीं हो पाई है, नहीं हो पाई है इस नर्सरी की, और ये नर्सरी जो है अभी जंगल बन चुका है क्योंकि तस्वीरें वीडियो आपके पास है, लोग देख रहे वीडियो के अंदर किस तरह जो माहौल बना हुआ है इस नर्सरी का, जो इतने बड़े दरख्त वो गिर चुके हैं और किसी भी जानवर के लिए रहने के लिए अच्छी और मौजूद जगह बन गई है। अब पिछले 2-3 सालों से तेंदुए उड़ रहे हैं, बार बार सरकार की नोट्स पे बात आई गई है, आज तक कोई भी फैसला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, जो वाइल्ड लाइफ लोग वो आ रहे हैं और बाहर कुछ पिंजरे लगा के चले जाते हैं, जनाब हमने पिंजरे लगाए हैं उसमें एक दो कुत्ते रखे हैं या कुत्ते रखते हैं तो ये आ जाएगा और इसमें बात हो जाएगा, आज तक ऐसा नहीं। कल की अगर हम बात करें, कल जो तेंदुए है आपको पशुओं में आ गए हैं, लोगों के घरों में आ गए हैं, वो मकानों के अंदर है और शक की नमाज थी, मस्जिद में लोग थे और मस्जिद से लोग बाहर नहीं आ सके, इस तरह का माहौल वहां पे बन पाया है। फिर जब जिम्मेदार से बात करते हैं, जिम्मेदार कह रहे हैं कि जनाब हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इस पे कानून ने कानून ही ऐसा बना हुआ है, कोर्ट किस पे बात करता है तो ऊपर गाइडलाइंस है, अगर कोर्ट की गाइडलाइंस है तो इसको मेंटेन रखना चाहिए था, और लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा, स्कूल खुल रहे हैं नर्सरी के साइड में, प्राइवेट स्कूल एक बड़ा प्राइवेट स्कूल चल रहा है इसमें काफी ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे कैसे स्कूल जा पाएंगे, नीचे इसमें एक ITI इंस्टीट्यूशन रखा गया है इसी नर्सरी के साथ में, यहाँ पे बच्चे जो है वो उसकी तालीम है, तो ये लोगों के लिए खतरा बन चुका है। आप जिम्मेदारों से बात करें,
सिर्फ फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं कि ये सरकार के हाथ में, और जो वाइल्ड लाइफ वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब हम तो इनको पकड़ लेते हैं मगर अंदर जाने से खतरा है क्योंकि अंदर वैसा माहौल बना हुआ, ये नर्सरी ने अब जंगल की शक्ल जो है इख्तियार कर दिया। ये मामला है लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आज अब लोगों ने फैसला लिया है कि अगर सोशल फॉरेस्ट वाले इसकी देखरेख नहीं कर पाएंगे तो इसको लोग आग लगा देंगे, इसको आग की नजर करके तो अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं क्योंकि शाम के टाइम पे उस इलाके में चलना मुश्किल हो रहा है, घर से बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, अब शाम की नमाज के लिए भी लोग नहीं जा सकते, इस तरह का माहौल। तो सही रूप आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, किसी की जिम्मेदारी तो तय होती होगी, डिपार्टमेंट एक दूसरे पर अगर बात उछालते रहेंगे किसी की जान जाती है, किसी को नुकसान पहुंचता है, तो जिम्मेदारी कौन तय कर रहा है? फिर जिम्मेदारी तो है सबकी, अगर डिपार्टमेंट ने नर्सरी बनाई है अगर नर्सरी की देखरेख करेंगे इसको ज्यादा घनाव नहीं होगा तो फिर जानवर रह नहीं पाएगा वहां पे, ऊपर से। अब जो वाइल्ड लाइफ वाले वो कहते हैं हम इस अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर खतरा है, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने पहले कहा कि जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का नाम ले रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो सरकार को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, जनाब कोर्ट की बाजत तौर पर ऑर्डर है कि इसके साथ हाथ नहीं लगाया जा सकता है। अब कोर्ट की ऑर्डर है कि लोगों की जान चली जाए मगर नर्सरी को हाथ न लगाए, ये मसला बन गया है। सुबह जो भी लोग वहां से निकले हैं मैं आपको बताऊं आसिफ 10-10, 20 लोग अब जो ऑफिस के लिए निकलते हैं या किसी काम के लिए निकलते हैं वो 10-10, 15-15 लोग इकट्ठे निकल गए क्योंकि अकेले जाने में उनको डर लगा। अब जो भी लोग निकले या ऊपर से किसी गाड़ी को हाथ देके ताकि नीचे तक आप ले जाओ, ये माहौल बन गया है। आप उस अर्बन एरिया में, ये तो ना तो फॉरेस्ट लैंड है और ना ही ये जंगल एरिया है, ये अर्बन एरिया है, लोगों को आपने वहां पे बसाया है और आप लोगों की जिंदगी जो है वो सरकार की वजह से आपको खतरा बन गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी हमारे साथ रहने के लिए बडगाम से, ये बताने के लिए कि इस इलाके के अंदर मौजूदा हालात क्या कुछ है। ये तस्वीरें उसी इलाके की जहां पर कल तक आप देखते थे कि सोशल फॉरेस्ट्री के इस इलाके के अंदर जहां पर सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से यहां पर नर्सरी बनाई गई और उसके बाद हालात ऐसे बने कि इसके इलाके जंगली जानवरों ने आकर पनाह ली, लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ गई है। अब रिहायशी इलाकों के अंदर जंगली जानवरों ने दाखिल होना शुरू कर दिया है, मुतलका हुकाम एक दूसरे पर बात उछाल रही है, लेकिन इन सब के बीच में खतरा मकामी आबादी के लिए अभी भी बना हुआ है। बढ़ते आगे बात खिता चुनाब की, जहां पर जिला डूडा के अंदर इस वक्त खबर आ रही है कि एक सड़क हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं किसी तरह के जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हो रही हैं, लेकिन डूडा जहां पर पुल डूडा के करीबी इलाके में सड़क हादसा पेश आया है। जम्मू से किश्तवाड़ जा रही बस जो हादसे का शिकार हुई है, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी देर में आपके सामने तस्वीरें और ऑफिशियल बाइट्स भी रखेंगे कि मुतलका हुकाम क्या कुछ कहती है। इस बीच जम्मू से किश्तवाड़ जा रही मुसाफिर बस जो कि दरियाए चिनाब में गिरी है, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यहां पर SDRF की टीम भी पहुंची है और बाकी लोग भी, सिविल इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया इस इलाके के अंदर कार्रवाई में इस वक्त मसरूफ है। और ये तस्वीरें उस मकाम की जहां पर सड़क हादसा पेश आया सुबह सुबह मुसाफिर गाड़ी। कुछ इतलात ये मिल रही है कि इस तरफ जब बस जा रही थी जम्मू से किश्तवाड़, कोई मुसाफिर उसमें नहीं था। कुछ लोग ये बताते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन इसका मैं इंतजार है, अभी ऑफिशियल वर्जन आना बाकी है। और इस बीच आपको बताते चलें कि इस इलाके के अंदर ये वो तस्वीर है जहां पर सड़क हादसा पेश आया है। ट्रैफिक में इसके बाद खलल जरूर पड़ा है, इस इलाके के अंदर जाने वाली गाड़ियों की नकलो अमल भी मुतासिर हुई है। और जरा ऑफिसर्स की बात भी सुनते हैं। का एक्सीडेंट हुआ है, बस पूरे चिनाब रिवर में डूब गई है। ये सुनने में आया है कि ये गाड़ी पुलडोडा से आई थी यहाँ तेल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे, तो वापसी पे इसका हादसा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अभी तक कोई मालूम नहीं है कि इसमें कितनी सवारियाँ थी और कितने लोग थे बस, क्योंकि कंडक्टर ड्राइवर का भी कोई पता नहीं है। क्या रेस्क्यू लगा यहाँ पे, किस तरह से रेस्क्यू लगाया गया? अभी हमने रेस्क्यू टीम्स मंगवाई हैं, रेस्क्यू बोट्स भी पहुँच गई हैं, वो सर्च कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि कितने लोग। चलिए कंफर्म अभी नहीं हो रहा है, सीधा डोडा रुक करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम गटू है। वसीम, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है, हादसे में किसी की मौत की कोई खबर? देखिए अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया क्योंकि ये पुलडोडा से गरसू का एक पेट्रोल पंप है, वहां पे एक तेल भरने जा रही थी और वापसी पे जो है गरसू के मकाम पे इसका एक बड़ी खाई में जा गिरी है। और अभी तक पता नहीं लग पाया, कुछ लोग भी वहां पे मौजूद, उनका ये भी कहना है कि कुछ इसमें लगता है कि ड्राइवर एक जो होगा वो इस गाड़ी के बीच में, और बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे रेस्क्यू लगा है, पुलिस का हमला भी खुद रेस्क्यू कर रहे हैं और काफी सारे लोग यहाँ पे इस वक्त जो है पुलिस की मदद कर रहे हैं, जो रेस्क्यू में यहाँ पे मदद कर रहे हैं। और ये गाड़ी जो है पानी के बिल्कुल बीच में है, अभी पता नहीं लग पा रहा है कि किस कारण ये पूरा मामला हुआ है।
ये रूटीन वाइज बस सर्विस थी कोई जो जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ जाती है या फिर कहीं लोकल रूट पे चलने वाली बस थी? जी देखिए, गाड़ी का नंबर तो जम्मू का ही नंबर है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि डोडा से जो गाड़ियां जाती है जम्मू की तरफ या किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ जाती है, उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी ये भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा, किसी को भी कोई खबर नहीं है अफसरान को, ट्रांसपोर्टर्स को, कहां से ये गाड़ी निकली है और कितने मुसाफिर इसमें सवार थे, कुछ पता? जी देखिए, ये पुलडोडा से गड़सू जा रही थी, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहां पे तेल भरने जा रही थी और वापसी पे इसका हादसा है। कुछ लोग भी वहां पे खड़े थे, उनने ये बताया कि सिर्फ इसमें एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हमने सिर्फ गाड़ी देखते हुए नीचे जब गाड़ी चली गई उसमें एक ड्राइवर था, वो भी पीछे जो गाड़ी के पीछे पीछे था। अब पूरा ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने लोग गाड़ी में सवार थे और कहाँ से आ रही थी, कहाँ की तरफ इसको जाना था, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब जिस तरह से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने बात की, उन्होंने यही बताया कि बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे रेस्क्यू लगा है, जनाब रेस्क्यू की टीम मंगाई गई है। तो रेस्क्यू के बाद हम सारी इस इलाके के अंदर जो कुछ तस्वीरें बता रही हैं, क्या कोई अंदाजा लग पाया है बस किस मकाम पर है, कोई पीस मिल पाया है सड़क हादसे का, कुछ पता चल पाया है इसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए जो गाड़ी के टूटे हैं वो रास्ते पे ही है, गाड़ी की नंबर प्लेट है जिसका नंबर JP02BR5530 गाड़ी का नंबर है, बस इतना एक नंबर प्लेट और एक शीशा मिला है, बाकी कुछ भी नहीं मिला। गाड़ी जो है पानी के बिल्कुल बीच में है और वहां पे ये भी सुनने में आ रहा है कि पानी जो है काफी ज्यादा, पानी का फ्लो भी होता है और गहरा भी काफी ज्यादा वहां पे है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त पुल डोडा के करीब सड़क हादसा पेश आया, जम्मू से किश्तवाड़ जा रही बस जो कि चिनाब में गिरी है, हालांकि किसी मुसाफिर की अभी मौत की कोई खबर नहीं है। तफसीलात का मजीद इंतजार हमें भी रहेगा, क्योंकि EDC डोडा के मुताबिक जो खुद इस वक्त हादसे के उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां बस चिनाब में गिरी है, अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई बस में सवार नहीं था ड्राइवर के अलावा, लेकिन इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। क्या कोई जिन इलाकों की तरफ ये गाड़ी जा रही थी वहां का कोई मुसाफिर था, ये कौन था, ये तफसीलात अभी आना बाकी है। फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात सिक्योरिटी फोर्सेज की, जहां पर शुमाली कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त बड़ी खबर करीरी बारामूला से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया है। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, इसके अलावा बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां यहां पर कार्रवाई अंजाम दे रही हैं। और आपको बताते चलें कि इस इलाके के अंदर मुश्तरका ऑपरेशन जो इस वक्त शुरू किया गया है, इब्तदाई रिपोर्ट्स जो आ रही हैं इस इलाके के अंदर, सर्च ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो मिलिटेंटों की मौजूदगी की खुफिया इतलात सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली थी करीरी बारामूला के अंदर। ये 3 दिनों के अंदर दूसरा ऐसा मौका है जहां पर दौलतपुरा का इलाका करीरी बारामूला में SOG करीरी 52 राष्ट्रीय राइफल 177 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज के अहलकार जो इस वक्त कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं और इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके को मुकम्मल सील कर दिया है। चलिए, ये तस्वीरें उस मकाम की जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, घर घर तलाशी का सिलसिला भी शुरू किया गया है इस इलाके के अंदर करीरी दौलतपुरा बारामूला के अंदर। 52 राष्ट्रीय राइफल, CRPF की 170वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप घर घर तलाशी के साथ इस इलाके के तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे उनको फिलहाल सील कर दिया गया है ताकि किसी तरह की नकलो हरकत ना हो। इलाके के अंदर मामूल के मुताबिक ऑपरेशन चल रहा है फिलहाल, किसी तरह का यहां पर कोई नुकसान अभी तक इतलात मौसूल नहीं हुई है, पूर्ण तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। बात जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की, आलमी योम ख्वातीन के मौके पर ख्वातीन को जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुआशी तौर कमजोर हैं, माजूर हैं या कोई और परेशानी है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन सब के लिए इंतजामिया आगे आई है, उन्हें मदद फराहम करने का सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर ऐसी सूरत हाल भी कई बार बनती है कि ख्वातीन की एक बड़ी तादाद जो बुनियादी हकूक से महरूम रह जाती है और उन्हें वो हकूक मिले और मुआशरे के अंदर उन्हें बाख्तियार बनाया जाए, उन्हें इज्जत बख्शी जाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया आगे आई है। और इंतजामिया के नए फैसले के तहत जहां पर आज भी 35 साल तक की
35 साल तक की जो उम्र की खवातीन हैं उन्हें सरकार की तरफ से 5 लाख की माली मदद फराहम की जाएगी, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के तहत के मुताबिक मिशन यूथ के तहत 0 सूदी स्कीम मुतारिफ कराई गई है, कोई सूद नहीं, कोई बोझ नहीं खवातीन पर होगा। और 35 साल तक उम्र की खवातीन को 5 लाख तक की माली मदद मिलेगी, कारोबार वो अपना सही कर सकेगी, जबकि सरकारी स्कूलों में 5,89,000 नादार लड़कियों से फीस वसूल नहीं की जाएगी, उन्हें मुफ्त में तालीम देने इब्तदाई लम्हात में सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर जम्मू कश्मीर की खवातीन को एक बड़ा तोहफा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दिया है। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही, आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।